वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की सीरीज अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन फिफ्टी थ्री से देखो क्वेश्चन क्या है ऑटो वॉन बिस्मार्क इज कॉल्ड ऑप्शन क्या है ग्रैंड कॉमनर मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ग्रैंड ओल्ड मैन या फिर मैन ऑफ डेस्टिनी तो इसका राइट right आंसर है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों बोला जाता है ये भी मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ क्योंकि उन्होंने कंट्री को यूनाइट किया था जो कि छोटी छोटी रियासतों में बंटी हुई थी और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है दादा भाई नारो को यह भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है दि रामकृष्ण परमहंस दि रामकृष्ण मिशन वाज स्टार्टेड बाई किसने स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस या स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद तो रामकृष्ण कौन थे या रामकृष्ण परमहंस कौन थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ठीक है और स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी कब करी थी 1875 में ज की और ब्रह्म समाज की किसने करी थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने ये भी आपने याद रखना है ठीक है और डीएवी जो कॉलेज और स्कूल है वो इन्हीं के नाम पे है दयानंद सरस्वती के नाम पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु अमंग दी फॉलिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी से कौन रिलेटेड नहीं है सी आर दास चित्रंजन दास या एम आर केलकर मोतीलाल नेहरू या फिर गांधी तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है सी आर दास चित्ररंजन दास इनको बोलते हैं और देशबंधु चित्रंजन दास देशबंधु की उपाधि इनको दी गई थी और मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट का एक आती है नेहरू रिपोर्ट उस पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबसे पहले चर्चा की जाती है ये आपने याद रखना है और नेहरू रिपोर्ट से कौन रिलेटेड है तो ऑप्शन में कई बार जवाहरलाल नेहरू भी आ जाते हैं तो मोतीलाल नेहरू याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मारिया मोंटेसरी नेम एसोसिएटेड विद तो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है चाइल्ड एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड एजुकेशन से ये रिलेटेड है हु इज नोन एज देश बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज नोन एज देश बंधु जैसे मैंने अभी बताया सी आर दास चित्रंजन दास एनिवेशेंट जो इंडिया में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रही हैं और होम रूल लीग भी इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है फर्स्ट फीमेल आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट भी रही हैं इतना इनके बारे में आपने याद रखना है ए ह्यूम कौन थे 1885 में कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना करी थी ह्यूम ने और ये फर्स्ट सेक्रेटरी उसके रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जिनको बोला जाता है इनके बारे में आपने ये याद रखना है कि अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी तब इन्होंने वहां अपने आप को गोली मार दी थी तो वो कौन सा पार्क था अल्फ्रेड पार्क ये बहुत बार पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल वास। तो ये कौन थे मार्शल टीटो ये थे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है वेयर वाज एल्बर्ट आइंस्टीन वार्न तो कहाँ ये एल्बर्ट आइंस्टीन वार्न हुए थे ये थे जर्मनी ये आपने याद रखना है जर्मनी देखो आपने कई बार ऐसे देखा होगा जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं या मैथमेटिशियन हैं वो जर्मनी में ही जिनका बॉर्न हुआ है या जैसे सुकरात हो गया प्लेटो अरेस्टोटल ये सारे जर्मनी में ही बॉर्न हुए नेक्स्ट देखो हु वाज नोन एज नाइट एंगल ऑफ इंडिया तो इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया तो ये कौन से स्टेट भी रही थी ये रही थी उत्तर प्रदेश की विजयलक्ष्मी पंडित ये पॉलिटिशियन भी है इंडिया की और यूएन महासभा में ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी रही है ये आपने याद रखना है कालिदास वास कालिदास कौन थे ए ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कालिदास की है देखो कुमार संभव है मालिका गणिमित्र है ठीक है तो ये आपने याद रखनी है मेघदूत है ये भी कालिदास की है नेक्स्ट देखो गोपाल कृष्ण गोखले नेम इज एसोसिएटेड विद हिंदू महासभा या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया या ब्रह्म समाज या शिवसेना तो गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के उन्होंने क्या एक स्टैब्लिश करी थी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा इससे रिलेटेड कौन है वी डी सावरकर ठीक है लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ये इससे रिलेटेड है और हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी तो स्टेब्लिश की गई थी नाइनटीन थर्टी थ्री में ये आपने याद रखना है और ब्रह्म समाज जैसे मैंने बताया राजा राम मोहन राय ने इसको किया था अठारह सौ 1828 में, 1828 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी तो इसका राइट right आंसर है श्रीमती श्रीवानो भंडार के ऑप्शन नंबर ए ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही हैं ये रही हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ये आपने याद रखना है और आपने ये भी याद रखना कि जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी सना मारिन वो कहाँ की है वो फिनलैंड की है और ये करंट का क्वेश्चन भी है सना मारिन फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड नेक्स्ट है फर्स्ट ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मेट इन तो सबसे पहले जो ज्वाइंट सेशन होता है आपको ये पता होना चाहिए कि ज्वाइंट सेशन जो होता है वो आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो आपने याद रखना है कि 108 आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन के बारे में बताया गया है और जो फर्स्ट ज्वाइंट सेशन जो हुआ था वो हुआ था 1961 में और इस पर क्या हुआ था वो ये डॉरी सिस्टम से रिलेटेड है इस पर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था उस पर ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई थी और तीन बार ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई है एक तो नाइनटीन सिक्सटी वन में होगी पहली और सेकंड जो थी वो नाइनटीन सेवनटी एट में हुई है उस पर क्या था द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल रिपील बिल बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल आया था नाइनटीन एट में तब भी जॉइंट सेशन बुलाया गया था और एक 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ये आया था तो उस टाइम 2002 में भी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था तो तीन टाइम अभी तक ज्वाइंट सीटिंग हो चुकी है ये आपने याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है दी फर्स्ट नेविगेटर टू सेल राउंड दर्ल्ड वॉस मॉरक्को कोलम्बस या फिर एम्बुस्टन या फिर मैगलन तो इसका राइट right आंसर बताओ इसका राइट right आंसर है मैगलन ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु अमंग नोन एज कैपर तो इसका राइट right आंसर है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के एम करियप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे के एम करियप्पा ये आपने याद रखना है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जॉन मेनार्ड कीन्स वाज एन क्या थे ये ये थे इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिस्ट थे ये और इकोनॉमी से रिलेटेड थे और इनकी बहुत ही फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ तंजानिया तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जूलियस नैयर ऑप्शन नंबर डी अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट को मैच करना है चार्ल्स डी गुली तो इसका राइट आंसर है फ्रांस से ये रिलेटेड है और फिडल कास्ट्रो ये क्यूबा से है लेनिन ये रशिया से है और कमाल अटार्टुक ये तुर्की से है तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी डी गामा वाजेन ये भी आपने पता है कि ये पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे ऑप्शन नंबर बी पुर्तगीज एक्सप्लोरर जो जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट सी रूट खोजा था कब खोजा था ये चौदह सौ सत्तानवे में नेक्स्ट है फर्स्ट वोमेंट टू रीच नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल में पहुंचने वाली फर्स्ट फीमेल कौन थी वो थी नेपोल कैरोलिन कैरोलिन मैकलिसन ऑप्शन नंबर सी कैरोलिन मैक्लिसन नेक्स्ट है फाइयान वाजे फाइयान कौन थे चाइनीज ट्रेवलर पुर्तगीज़ सेलर या फिर नॉर्वेजियन ट्रेवलर जापानीज़ नेविगेटर तो इसका राइट right आंसर है चाइनीज ट्रेवलर तो फाइयान चाइनीज ट्रेवलर था ये तो आपको पता लग गया और वो इंडिया में आया था लेकिन उस टाइम कहाँ पे आया था ये ये आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम दरबार में ठीक है नेक्स्ट है हु इज नोन एज लिटिल कॉर्पोरल लिटिल कॉर्पोरल किसको बोला जाता था वो थे नेपोलियन बोनोपार्ट फ्रांस का और जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर जिसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है मेन कैंप ये आपने याद रखनी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन देखो वैलेंटिना टेरेशोवा वाज फर्स्ट वोमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल रिच नॉर्थ पोल रिच साउथ पोल या नन ऑफ द अबब तो इसका राइट right आंसर है नन ऑफ द अबब कौन थी वैलेंटीना ये थी फर्स्ट फीमेल गो इन टू द स्पेस ये आपने याद रखना फर्स्ट फीमेल गो इन टू द स्पेस कौन थी वैलेंटीना तारिश कोबा नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट तो ये भी आपको पता है वो थी विछिंद्री पाल फर्स्ट वेमेन थी पिछेंद्रीपाल और फर्स्ट जो मेल थे वो थे अवतार सिंह चीमा नेक्स्ट है धनवंतरी नेम इज एसोसिएटेड विथ ये आपने बहुत सी मेडिकल स्टोर में भी देखा होगा बाहर लिखा होता है धनवंतरी मेडिकल स्टोर ठीक है तो ये किस से रिलेटेड है ये है इंडियन मेडिसिन धनवंतरी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इन तो इनकोरेक्ट देखना है आपने अलबरूनी ये अरब हिस्टोरियन थे बिल्कुल सही है एशो इटालियन नहीं थे ये ग्रीस के थे तो इनकोरेक्ट यही हो गया और ध्यानचंद हॉकी के आपको पता है विजार्ड ऑफ हॉकी बोला जाता है इनको और इन्हीं के जन्मदिन पे ही हम बना क्या मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे ट्वेंटी नाइन अगस्त को और एप्र ग्रीक फिलासफर थे ये भी आपको पता है नास्ट नेक्स्ट है लियोनार्डो विंसी हु इज द फेमस ऑफ द मास्टर पीस पेंटिंग मोनालिसा वासेन तो ये कहाँ के थे ये भी आपको पता है ये इटालियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही फेमस एक पेंटिंग बनाई थी कौन क्या नाम था उसका मोनालिसा ठीक है तो ये इटालियन आर्टिस्ट थे यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे